हेलो एवरीवन वेलकम टू कोसर क्लासेस आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनआईओस ट्वेल्थ क्लास होम साइंस का सोल्व क्वेश्चन पेपर ज्यादातर बच्चे 2021 का क्वेश्चन पेपर देख रहे होंगे कि 2021 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिल जाए कहीं से बट मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 2021 के क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होंगे बिकॉज एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़कर जरूर आएंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं या तो दो के बारह के तेरह के इस तरीके के आपके क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन आपको देंगे बट क्वेश्चन रिपीट होंगे यहाँ से तो आप क्या करें ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसके साथ आंसर भी है ये सोल्व क्वेश्चन पेपर है आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा बाकी अगर बात करें क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा अगर हम बात करें इस पेपर की तो किस तरीके का आपका ये पेपर रहेगा यहां पर हम देख लेते हैं सबसे पहले तीन घंटे आपको मिलेंगे पेपर को करने के लिए तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि एग्जाम सेंटर पर जब आप जाएंगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले आपको क्लास में जब जाएंगे तो क्लास में जाकर सबसे एकदम से बात करनी स्टार्ट नहीं कर देनी क्योंकि बच्चे गलती कर जाते, जाते हैं सबसे पहले वो एक दूसरे से बात करनी स्टार्ट कर देते हैं टीचर की नजर में हाईलाइट हो जाते हैं टीचर की नजरों में ये चला जाता है कि ये बच्चे पे नजर रखनी है और वो चिटिंग करेगा ठीक है तो आपको बिल्कुल शांति के साथ बिल्कुल आराम से जाके बैठ जाना है क्लास में एक घंटे तक तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में ही अपने आप मतलब जो भी आपको जितना आता है आप खुद से करिए और उसके बाद में जब अगर आपको लगता है कि हाँ ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं है वहां पर अगर आप पूछ सकते हैं किसी से देन तब आप ट्राई करें ठीक है उसके साथ साथ मैं यहां पर आपको जो अब बताने वाली हूं उस चीज को आप जरूर फॉलो करिएगा उससे आपकी बहुत ज्यादा हेल्प होगी ठीक है देखो जस्ट एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमें फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आता हमने मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर है हमने क्वेश्चन पेपर देखा और हमें देखने के बाद में ये पता चला कि हमें इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन हमें नहीं आता सेकेंड क्वेश्चन हमें नहीं आता थर्ड क्वेश्चन हमें नहीं आता हमें आ गया फोर्थ क्वेश्चन यानी कि फोर्थ क्वेश्चन हमें आता है इसका आंसर अच्छे से तो हमने इसको टिक कर लिया ठीक है एक तो क्वेश्चन पेपर पर आपको ज्यादा लिखना नहीं है क्योंकि लिखना अलाउ नहीं होता वहाँ पर बट आपने एक छोटा सा टिक कर लिया कि हाँ मुझे ये वाला क्वेश्चन अच्छे से आता है यह मुझे सबसे पहले करना है स्टार्टिंग के 15 मिनट्स आपको अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए देने हैं पहले क्वेश्चन पेपर को समझो क्या क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है है देन उसके बाद में ही करना है, स्टार्ट करना है आपको ठीक है है तो पहले 15 मिनट पढ़ना है आपको क्वेश्चन पेपर को मान लीजिए आपको जो है है फोर्थ वाला क्वेश्चन आता बहुत अच्छे से आप इसको टिक कर लीजिए इसी तरीके से जहां पर आपको यह लगता है कि आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि हाँ मुझे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है उस क्वेश्चन को उन क्वेश्चन को टिक करिए सबसे पहले आपको काम यही करना है जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको आंसर नंबर फोर या आंसर नंबर फाइव आंसर नंबर सिक्स जहां से भी आपको स्टार्टिंग करनी है ये जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करनी है आपको अगर लास्ट वाले क्वेश्चन को पहला आ रहा है आपको उसका आंसर तो आप उसको भी पहले कर सकते हैं ठीक है थीके? तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखना है आंसर नंबर फोर क्योंकि आपको यह सबसे पहले आता है ठीक है इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन आपको हंड्रेड आते हैं वो आपको साफ साफ अच्छी राइटिंग में आपको पहले लिखना है लेकिन इतनी भी साफ राइटिंग मत लिखने लगना कि आपका टाइम चला जाए ठीक है तो यहां पर क्या करना है मतलब एग्जामिनर को समझ में आ जाए आपने क्या लिखा हुआ है ठीक है चलिए एक काम तो आपका ये हो गया अगर आप इस तरीके से पेपर को कर, कर आते हैं तो आराम से आप पास हो जाएंगे 100% परसेंट क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट होते हैं जो रेगुलर में पढ़ने आते हैं हमारे पास उनको यही ट्रिक हम बताते हैं ये वाली ट्रिक आप फॉलो करिएगा इस ट्रिक से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे ठीक है चलिए उसके बाद में दूसरा काम आपको यह करना है अब आपने वो क्वेश्चन कर लिए जो आपको 100 परसेंट बहुत अच्छे से आते थे ठीक है अब दूसरे आपको क्वेश्चंस वो लेने जो, जहां आपको 50 परसेंट आपको डाउट है कि 50 परसेंट आप बना लोगे और 50 परसेंट आपको नहीं आएगा उन क्वेश्चन को आपको उसके बाद करना है जो क्वेश्चन आपको हंड्रेड आते थे ठीक तो है तो मान लेते हैं वो क्वेश्चन भी क्वेश्चन में नंबरिंग वाइज आप कोई भी नंबरिंग लिख सकते हो आपको सेवन नंबर का आपको उसमें आ रहा है लाइक फिफ्टी आ रहा है तो आप उसको सेकंड टाइम पर लिख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है जब आपने ये क्वेश्चन लिख लिए कि हमें 50 परसेंट आता है 50 परसेंट हमें बना के लिखने की जरूरत है देन उसके बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन आपको बनाने की जरूरत है मतलब आपको नहीं आता उनमें कुछ भी लेकिन आप खाली पेपर छोड़ के नहीं आएंगे आपको सभी क्वेश्चन को क्या करना है अटैम्प्ट करना है ठीक है जितने भी क्वेश्चन आपके उन सभी को अटेम्प करना है और आपको पूरा लिख कर आना है ठीक है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं यहां से आप ये क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए मैं यहां पर क्वेश्चन पेपर दिखा देती हूँ ठीक है देन उसके बाद में जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं पहले आप ट्रिक को समझ लीजिए देन उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन पेपर में दिखा दूंगी ठीक है तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको बना के भी लिख कराना है ऐसा नहीं करना कि पेपर खाली छोड़कर आ जाए ये गलती नहीं करनी है आपको क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं कि अगर नहीं आता तो पेपर खाली छोड़कर आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो आपको ऐसा नहीं करना अब यहां से आप एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि आपको अगर टू मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है तो आपको कितना मतलब में उसको कितने वर्डिंग लिखने हैं यानी कितने वर्ड लिखने हैं आपको तो देखिए दो मार्क्स में पर क्वेश्चन पूछा गया कितने वर्ड लिखे पर थर्टी या ट्वेंटी फाइव ठीक है 25, तो इतने वर्ड्स में ही आपको आंसर देना होगा फोर मार्क्स का है तो कितने वर्ड्स में आंसर देने हैं ये देखिए पॉइंट में अगर आंसर लिखेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा ठीक है तो यहां से आप देख सकते हैं ये है आपका सोल क्वेश्चन पेपर एंड ये है आपका यहाँ से आप इसको इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड देन अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स जरूर परचेस कर लीजिए क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी uh, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपने नहीं लिए हैं तो आप उनको ले सकते हैं नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से अपने सभी सब्जेक्ट के नोट्स लेके आप अपनी अच्छी सी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं ठीक है तो यहां से ये इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व यहाँ पर इस पेज पे हम देखेंगे सेक्शन बी इसमें ऑप्शन है ऑप्शन वन एंड ऑप्शन टू ठीक है एक है आपका हाउस कीपिंग आप पर आपका देख सकते हैं सेक्शन बी में ऑप्शन वन लिया हुआ है हाउस कीपिंग आपकी मर्जी आप कौन सा आप बुक में से कौन सा वाला ऑप्शन चूज करते हैं उस वाले ऑप्शन को आप आइएगा ये बच्चे ने क्या किया है जो ऑप्शन उसको ऑप्शन वन उसने चूज किया था हाउस कीपिंग वाला तो उसने उसके आंसर यहाँ पर दिए हैं ठीक है तो ये इस तरीके से आपको जो है इसकी आंसरिंग करनी है तो बस यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना आंसरिंग कैसे करनी है आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट में अगर आप आंसर लिख कर आएंगे तो और भी अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा ठीक है और ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जो लिए गए हैं 2010 वाले पेपर में जो लिए गए हैं ये क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और साथ साथ 2011, 2012, 13, 14, 15 इसी वाले क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से रीड कर लीजिए तो आपके आराम से आप इसमें पास हो जाओगे तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही और भी इस तरीके की वीडियोस के लिए हेल्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें आइकन को प्रेस कर अदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी आने हैं चैनल तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग